ओके सो अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ मेमोराइज विद मी। सो वी वर स्टडिंग रीनल फार्माकोलॉजी। हमने लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन देखी, उनकी एग्जांपल्स देखी, और हमने ये देखा कि तकरीबन चार पांच ऐसे क्लासेज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्स, एंड उन्हीं को हमने डिटेल में देखना है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देखे थे, SGLT2 इनहिबिटर्स देखे थे, लूप डायूरेटिक्स देखे थे, थायाजाइड्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देखे थे। अब आउट ऑफ दीज फाइव, फोर आर नाउ एट द टॉप, ठीक है। उसमें फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आते हैं, लूप डायूरेटिक्स आते हैं, थायाजाइड्स आते हैं और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमने उसके फार्माकोडायनामिक्स और उसके यूजेस ऐसे नहीं देखने, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। उनका एक सेकेंडरी इफेक्ट ये था कि वो डायूरेसिस भी करवा रहे थे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। ऐसा इसकी जो फार्माकोडायनामिक्स है वही एक तरह से, सिंस दीज आर द एक्शंस दे परफॉर्म ऑन द बॉडी, सो ये उसका एक तरह से मोड ऑफ एक्शन भी है कि वो पर डायूरेसिस करवा कैसे रहा है, ठीक है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एज वी नो, इट इज़ इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। और ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। CO2 को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है और कार्बोनिक एसिड को देन CO2 में कन्वर्ट करता है, यही इसका रोल है। तो इसके थोड़े से मैकेनिक्स देख लेते हैं कि होता ये है, मैं थोड़ा बुक से समझा देती हूँ। अच्छा, होता ये है कि बेसिकली, ओके इट इज़ हेयर। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि हमें पता है कि इन एक्सचेंज फॉर एवरी सोडियम आयन, दिस एन एक्सचेंजर, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, NHE हम इसे कहते हैं, NH3 सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। वो ये करता है कि वो सोडियम को कर रहा होता है रीअब्सॉर्ब और हाइड्रोजन आयन्स को बाहर भेज रहा होता है, ल्यूमन में भेज रहा होता है। सो दैट इज़ द रोल ऑफ NHE3। अब होता ये है कि वंस इन द ल्यूमन दीज प्रोटोन्स आर गोना कंबाइन विद द बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन के लिए हमें प्रोटोन को बाहर निकालना ही निकालना है, और वंस इन द ल्यूमन प्रोटोन हैज़ टू कंबाइन विद बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड के साथ क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। और ये जो CO2 है ये वापस एंटर हो जाएगा ट्यूबुलर सेल में, एंड देन इट विल अगेन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो कि बाद में फिर कन्वर्ट हो रहा था बाइकार्बोनेट में और प्रोटोन में। अच्छा, जो कि अगेन फिर टेक पार्ट इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो अगर हम इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर दें तो जो हाइड्रोजन आयन्स होंगे या प्रोटोन होंगे वो यूटिलाइज ही नहीं होंगे, तो इन दिस वे उनकी जो ये एक्सचेंज है ये रुक जाएगा, तो ड्यू टू दैट सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन भी रुक जाएगी। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ना रोल एक और जगह पर भी आता है, जब ये H2O और जब ये CO2 वापस आता है ना ट्यूबुलर ल्यूमन से इनटू द सेल रीअब्सॉर्ब होकर, तो उसको वापस से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करवाने का काम भी इसी का है। तो अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा, कार्बोनिक एसिड नहीं बनाएगा, तो वही कार्बोनिक एसिड बाद में प्रोटोन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब प्रोटोन में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो प्रोटोन हम यूज़ नहीं कर सकते फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ये ही एक्शन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का, कि ये दोनों जगहों पर इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटोन क्या जो रिजर्वॉयर है वो डिप्लीट हो जाता है और हमारे पास सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाने के लिए कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो यही इसकी फार्माकोडायनामिक्स है, यही हम इसको देखेंगे। तो अच्छा, इसकी इसमें ये लिखा हुआ है कि इनहिबिशन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्टिविटी प्रोफाउंडली डिप्रेसेस द बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, इन द PCT। अच्छा, अब एक तो वी नो कि ये सोडियम की तो रीअब्सॉर्प्शन को रोक ही रहा है, साथ ही साथ वी कैन सी कि ये बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन को भी रोक देता है, बिकॉज वी नीड कार्बोनिक, बिकॉज दिस बाइकार्बोनेट हैज़ बी कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड, उससे फिर CO2 और H2O बनना है, जिसने बाइकार्बोनेट आयन्स ने CO2 की फॉर्म में रीअब्सॉर्ब होना है, और अगर ये इसमें ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो ये कार्बोनिक एसिड एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा और हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है उसके रिजर्व्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनहिबिशन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटी विल डिप्रेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स फ्रॉम द PCT, ठीक है। तो हमें कहते हैं अगर मैक्सिमली ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर डोजेज दे भी दें, तब भी देर आर अदर मैकेनिज्म्स जिसके जरिए बाइकार्बोनेट आयन बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो एट मोस्ट भी तकरीबन हम मैक्सिमम डोज भी अगर देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स की, तो 45% ही डिप्रेस होती है बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन, अदरवाइज वो मेंटेन रहती है। लेकिन स्टिल इट इज़ सिग्निफिकेंट इनफ टू कॉज बाइकार्बोनेट लॉसेस एंड टू फॉर्म टू कॉज हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डेफिनेटली जब बाइकार्बोनेट को
कार्बोनेट की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी ब्लड में, तो उसको कम्पनसेट करने के लिए क्लोराइड आयंस की रिअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, क्योंकि एक तो बाइकार्बोनेट निकलते जा रहे हैं उसके नतीजे में क्लोराइड आयंस ज़्यादा भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन रिजल्ट फ्रॉम सीए इनहिबिशन, ठीक है, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिशन। अच्छा, इसके अलावा एक और जो ये रोल प्ले करते हैं सीए इनहिबिटर्स या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, वो ये करते हैं कि ओवर सेवरल डेज अगर हम इसको लेते रहेंगे तो इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। एफिकेसी कम क्यों होती है? बिकॉज वी नो कि बाइकार्बोनेट आयंस की जैसे ही कंसंट्रेशन कम होने लगती है ना, तो हमें पता है कि बाइकार्बोनेट अब वो एक्सक्रीट होते जा रहे हैं बॉडी से और रिअब्जॉर्ब तो नहीं हो रहे, तो रिअब्जॉर्प्शन जब नहीं होती उनकी, तो उन आयंस को कॉम्पनसेट करने के लिए NaCl की रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाती है, उनका एक्सचेंज ज़्यादा उनकी रिअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो डायूरेसिस का फंक्शन तो यही था ना कि हम NaCl की रिअब्जॉर्प्शन को कम करें, बट वो तो नहीं हो पा रही, वो तो दोबारा शुरू हो गई, तो एक तरह से ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अगेंस्ट डायूरेसिस बाय द कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ CA इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि डिक्रीज बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू इनहांस NaCl रिअब्जॉर्प्शन बाय द रिमेंडर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। और देन ये लिखा हुआ है कि अगर जो मेजर एक्शंस परफॉर्म होते हैं ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की, वो एक्स्ट्रा नेफ्रोनिक होते हैं या अदर देन किडनीज होते हैं, बिकॉज वी नो कि ये एंजाइम और बहुत सारी जगहों पर यूटिलाइज हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई में, जहाँ बाइकार्बोनेट आयन सेक्रीट होने होते हैं ब्लड से एक्वस ह्यूमर में, ठीक है, वायरस लेरिया बॉडी, तो वहाँ पर भी ये एंजाइम यूटिलाइज हो, तो वहाँ पर भी ये ब्लॉक होता है, तो उसके काफ़ी सारे एक्शन ऐसे हैं जो किडनीज के अलावा भी परफॉर्म हो रहे हैं। तो बस यही था कि यही इसका फार्माकोडायनामिक्स, ये हमने देख लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज को। सेकेंड जो लूप जो हमारा इंपॉर्टेंट डायूरेटिक है, दैट इज द लूप डायूरेटिक। अच्छा, इसको वी कैन ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो सी यू देन, ओके, अल्लाह हाफिज़।